हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सस्ट्रोलॉजी। मैं आपकी होस्ट गोस्ट और डंकी का गोइंग श्रीराम कंवर। मैं सबका आपका बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया मेरे ग्रैंड मीटअप वाले वीडियो में, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अभी का इजाज़ से हमारे प्लान है कि भाई और भाभी जा रहे हैं बाहर और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ और मैं करीब कह रही करीब हेलो उठी चले आप भी मेरे साथ चले बाहर घूमने चले। कब से हम घर में बैठे हुए। कहाँ चले कहाँ आ जाती हूँ लंबा मुंह उठा के। यार ये क्या बात हो, आप हर वक्त स्कूटर जैसा मुंह उठाकर घर भी पड़े रहते हैं। आप चले ना मेरे साथ। यार मेरी तबीयत नहीं ठीक इसलिए मैंने जाना, मैंने तो सोना, तुम लोग जाओ। आपको तो कोई ना कोई बीमारी पड़ रहती है, बीमारी पैना गंजा। तुम जाओ, तुम आ जाती हो गांधी वाली ऐनक लगा के, मैं तो सोने लगा। जाओ भाई भाभी के साथ जाओ। हम जा रहे हैं, अब मुझे ना कुछ कहना। A few moments later. तो गाइस अभी मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। मैं भाई और भाभी जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है करीब ने मुझे डिच करा दिया, वो नहीं मेरे साथ गया, मुझे खारिश पड़ गई। तो गाइस भाभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा करीब से तंग आ गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जलील करते हैं। क्यों अब क्या हो गया भाभी, आप देखते नहीं कितना ज्यादा मुझे रोस्ट करते हैं वो हर वक्त। हाँ वैसे ये बात तो तुमने सही कहा भाभी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना करीब से मैं बदला लूँ, तो आप मेरा साथ देना। तो कोई प्लान है तुम्हारे पास क्या। हाँ हाँ आइडिया तो मेरे पास है, अभी घर चलते हैं ना तो मैं आपको बताती हूँ मेरे पास क्या आइडिया है। चलो ठीक है फिर आज करीब से बदला लेते हैं। 3 hours later. गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और मैं बनने लगी हूँ चुड़ैल। भाभी को कैमरा पकड़ा दिया है और आज देखें करीब की शामत आने वाली है। आप लोग ये ना कह रहे हैं कि मैं वैसे भी चुड़ैल हूँ, वैसे मैं चुड़ैल चुड़ नहीं हूँ, बस यहाँ से थोड़ी सी लगती हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी कुछ दिन। जिक्रा से आ जाना उसे डराना, उसे दंदल ना पड़ जाए। नहीं नहीं भाभी आपने देखा नहीं है, नहीं उसको दंदल पड़ते हैं, मुझे कितना सैलड डराता है, रोस्ट करता है, तो इसका बदला तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। चलो ये भी है, तुम सही कहती हो। ये झाड़ू क्यों पकड़ा हुआ है, इससे डराऊंगी ना, चुड़ैलों के पास झाड़ नहीं होता। यार ये क्या हरकत है, रैंक क्या आपके साथ, ये कैसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं, आप मुझे तो रोज जो करते हैं। तो गाइज अभी मैं फेस वगैरह वॉश करके फ्रेश हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ होगा। तो आई होप यू लाइक द ब्लॉग टुडे और आप लोगों को मजा आएगा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। ऐसे कामों में तो बड़ी खुश रहती हूँ शिकार। तो हाँ ना मैं प्रो मैक्स ब्लॉगर हूँ, ऐसे तो करूंगी ना प्रो मैक्स में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।